हेलो एवरीवन वेलकम टू लीट्स क्रेड आई एम रोतक के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं जो आपको अलग से फॉर्म फ़िल करना होगा सो दैट आपको कॉल्स आए एंड ऑन बेसिस पे आपका जो है वो इंटरव्यूज़ होंगे एंड आपका कन्वर्जन होगा पहले क्या होता था आई एम रोहतक जो था वो कैप इंटरव्यूज़ का पार्ट होता था पहले बट अभी जो है आई एम रोहतक ने पिछले कुछ सालों से अपना प्रोसेस चेंज कर लिया है कि मुझे कैप के थ्रू अपने एडमिशन नहीं करने मुझे अलग से अपना इंटरव्यू प्रोसेस कंडक्ट करना है एंड उसके लिए वो फॉर्म भरवाते हैं टू थाउजेंड का वो फॉर्म होगा जो वो फॉर्म भरेगा वही पर्सन एलिजिबल होगा आई एम रोहतक के अगले प्रोसेस के लिए ठीक है नाउ अगर मैं प्रोसेस के अंदर की बात करूं कितने परसेंटाइल पे क्या होगा प्रोसेस कितने पे नहीं होगा अगर उसकी बात कर रहे हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर पीजीपी एडमिशन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी आई एम रोहतक स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप थ्री में आपकी चीजें इंक्लूड हो रही हैं कैट स्कोर आपका ऑनलाइन पी आई स्कोर ऑनलाइन होगा पी आई देन आपका जेंडर एंड आपका अकेडमिक डाइवर्सिटी अब इनको किस रेशियो में क्या वेटेज मिला है वो चीज देखना भी इंपॉर्टेंट होगा उस पर चलेंगे हम लोग और उसके बाद में रिपोर्टिंग ठीक है अपना आया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर पीजीपी एडमिशन टू थाउजें ट्वेंटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आर बेस्ड ऑन द एग्रीगेट पर्सेंटाइल स्कोर इन इन द कैट एज द टेबल वन बिलो अब ये तो टेबल है ये है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि यार अगर इतना स्कोर है आपका कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है अगर ओवरऑल में आपका इतना स्कोर है देन यू आर एलिजिबल जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था आयम्स वाली वीडियो में भी कि अगर आप किसी पर्टिकुलर स्कोर के थ्रू एलिजिबल हो किसी भी कॉलेज के लिए तो इट डजेंट इंश्योर कि आपको उस पर डेफिनेटली जो है वो कॉल आएगा ही आएगा ठीक है और अगर आपको कॉल आ ही जाता है तो ऑब्वियसली उनमें से कुछ स्टूडेंट्स पिक होंगे जिनका फाइनल कन्वर्जन निकलेगा ठीक है अब कॉल तो देखो लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को करना है उनको ऐसा तो नहीं कि हर एक को कॉल वो करेंगे ही करेंगे तो लिमिटेड स्टूडेंट्स को जो कॉल होने वाला है वो क्या क्या चीजों के ऊपर बेसिस पे है वो तो हमको ऑलरेडी मिल गई कि यार इन चीजों के ऊपर बेस्ड है वो बट किस रेशियो में वो चीज देखना बहुत ज्यादा जरूरी है सो so दैट आपको ये पता चल जाए जा यार मैं फॉर्म तो भर देता हूं बट क्या एक्चुअल में मुझे कॉल और उसके बाद में कन्वर्जन होने के चांसेस हैं भी या नहीं है ठीक है तो अभी देखो यहां पर ये वाला प्रोसेस आप अपने एंड से देख सकते हो वो कोई बड़ी डील नहीं है अगले प्रोसेस पर मूव करते हैं सबसे पहले अगर फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बेस्ड ऑन उन कैट ऑनलाइन पी एंड डाइवर्सिटी स्कोर की बात करें वेट ऑफ सिक्सटी परसेंट विल बी असाइन टू कैट टोटल स्कोर तो अगर आपके परसेंटेज हाई है तो इट ऑटोमेटिकली मीन आपके चांसेस जो है वो बढ़ जाते चांसेसटी परसेंट वेटेज है मोटा वेटेज है भाई कैट स्कोर को जो दिया जा रहा है ठीक है देन उसके बाद में वेट ऑफ ट्वेंटी परसेंट विल बी गिवन टू ऑनलाइन स्कोर अब ऑनलाइन पी स्कोर किसी का थोड़ा अच्छा जाएगा किसी का थोड़ा खराब जाएगा तो उस बेसिस पे उनका मार्किंग जो हो जाएगा ठीक है सिक्सटी परसेंट आपका कैट ऑलरेडी आ चुका है ट्वेंटी परसेंट आपका पी स्कोर देन फर्दर एट वेटेज ऑफ ट्वेंटी परसेंट विल बी गिवन टू अकेडमिक डाइवर्सिटी एंड जेंडर डाइवर्सिटी अब बात आती है मुद्दे की सबसे ज्यादा बड़ी अगर आपके पास अकेडमिक डाइवर्सिटी नहीं अगर आपके पास जेंडर डाइवर्सिटी नहीं भाई में आप मैक्सिमम कितना स्कोर कर लोगे बीस में से बीस कर लोगे ना बट अगर, अगर आपके पास अकेडमिक डाइवर्सिटी नहीं है आपके पास जेंडर डाइवर्सिटी नहीं है आप वहाँ पर 20 में से जीरो स्कोर करोगे और वहीं कोई स्टूडेंट है जिसके पास डाइवर्सिटी है साथ में फीमेल है उसको ट्वेंटी पॉइंट्स मिल जाएंगे तो आई होप सो आपको बात एक समझ में आने लग गई होगी कि अगर आपका जस्ट कट ऑफ पार हुआ है और आपका अकेडमिक डाइवर्सिटी नहीं है जेंडर डाइवर्सिटी नहीं है आपको लग रहा है यार पी स्कोर पता नहीं कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा आई एम नॉट श्योर अबाउट द सेम उतना मुझे कॉन्फिडेंस है नहीं तो उस हिसाब से अगर आप चाहते हो कि यार मैं ठीक है यार मैं ये फॉर्म अगर ना भरूँ भरू, मेरे पैसे बच जाएंगे अगर उस तरह का दिमाग में चल रहा है क्योंकि देखो मनी जो है अल्टीमेटली आपको बहुत सारे फॉर्म्स फिल करने पड़ते हैं बहुत सारे आपने पहले प्रोसेस किया आप जी के लिए प्रिपरेशन करोगे वहाँ पर आपका पैसा इन्वेस्ट होगा तो लिमिटेड मनी है उसका एफिशियंटली अगर आपको यूज़ करना है तो नाइनटी फाइव ही अगर आपका स्कोर बन रहा है और पी आई के लिए आप बहुत ज़्यादा कोई कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो कि यार कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा पता होता है ना कुछ लोगों का कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत हाई लेवल पे है कुछ का उस लेवल पे नहीं है तो पता होता है अपना कि यार मेरा किस लेवल पर एंड अकॉर्डिंगली वो प्लान कर सकते हैं अगर जस्ट नाइन्टी नेट पहुंच रहा है स्कोर और अकेडमिक डाइवर्सिटी नहीं जेंडर डाइवर्सिटी नहीं और अगर दो अपना बचाना चाहते हो तो चांस ले सकते हो बट अगर कोई भी उम्मीद हो कि यार ठीक है यार कोई नहीं दो इन्वेस्ट कर लेता हूँ जैसे तैसे तो आपको चांस यहाँ पर ले लेना चाहिए ठीक है अब जिनके पास तो भैया फीमेल है एकेडमिक डाइवर्सिटी है ऑब्वियसली उनके चांसेस बढ़ जाएंगे जब फाइनल लिस्ट जो आएगा क्योंकि वहां पर स्कोर 20 मार्क्स है बहुत बड़ा मार्क्स है जो ऐड होकर चीज़ें जो है वो चेंज कर देंगे ड्रास्टिकली गेम जो है पूरा चेंज हो जाता है तो अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन लीजिए एंड आप जो है प्रोसेस पे आगे बढ़ जाइए अगर मैं कट ऑफ्स की बात करूँ जनरल का जनरल जो ओवरऑल कट ऑफ है दैट इज 95 फाइव का इट इज़ 90 एन का इज 78 एट का है एस टी का और डी ये सब कुछ मैंशनड है अब बात ये भी आती है कि यार अगर लास्ट ईयर में कुछ सिनारियो बना है कि यार इस स्कोर पे इस स्टूडेंट को जो कॉल आया था और उसका कन्वर्जन हो गया तो क्या ए सी भी जरूरी है देखो कोई जरूरी नहीं है आप किसी को नहीं पता जनरल कैंडिडेट जो है वो नाइन्टी फाइव प्लस पे कितने हैं लास्ट ईयर कितने थे और जिनका लास्ट ईयर नाइन्टी फाइव प्लस था उनका सेक्शनल स्कोर क्या थे इसयर के नाइन्टी फाइव प्लस वाले स्टूडेंट्स के सेक्शनल स्कोर क्या है क्योंकि अगर सेक्शनल स्कोर अच्छा है तो और भी कॉलेज से कॉल आएगा ओनली आएम रॉ तक से कॉल नहीं आएगा और भी न्यू आई एम से वो कॉल करेंगे उनके वो भी कन्वर्जन होंगे तो जरूरी नहीं है ना कि वो आयम रोहता की ज्वाइन करें अगर आयम रोहता को ज्वाइन नहीं कर रहे तो ऑटोमेटिकली जो स्कोर है वो कम हो जाएगा स्कोर कम होने का मतलब है ये वाला स्कोर यहां पर ये यह जो स्कोर कैलकुलेट हो रहा है ये टोटल स्कोर जो कॉम्पोज स्कोर बनाया जा रहा है वो स्कोर थोड़ा नीचे चला जाएगा और मे बी ऐसा हो जिनका इससे प्लस है उनमें से बहुत हाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जिनका सेक्शन कट ऑफ क्लियर नहीं है एक सेक्शन में 40, 50, 60 के आसपास रह गया तो ऑटोमेटिकली ये कॉम्पोजिटि स्कोर बढ़ सकता है तो स्कोर से आपको एक्जेक्टली ये डिटर्मिन नहीं हो सकता कि क्या आप जो है वो कॉल लेकर कन्वर्ट मारी दोगे या आप नहीं मार पाओगे आपको चांस लेने की बात है नो वन नोस कि बाकी लोगों ने आपके रिस्पेक्ट में कैसा स्कोर जो है वो किया है तो चांस लेने की बात है अगर आप बिल्कुल रेंज के अंदर हो जस्ट कट ऑफ आपका क्लियर हुआ है आपके पास अकेडमिक डिवर्सिटी जेंडर डिवर्सिटी नहीं फिर ऐसा है कि यार अगर आप मनी सेव करना चाहते हो यू कैन डू दैट बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि यार अगर आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं नजर में आ रही आप एक बैट लेना चाहते हो तो आपको डेफिनेटली एक बैट लेना चाहिए आई एम रोहतक एक अच्छा इंस्टीट्यूट है और एवरेज पैकेजेस भी फिफ्टी लैक्स की रेंज में घूम रहा है तो अगर इस लेवल पे आपको मिल रहा है आएम का ब्रांड नेम साथ में ऐड होगा प्रोफाइल्स भी अच्छे खासे ऑफर होते हैं वैसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली आपको आयम रोहतक जो है वो कंसिडर करना चाहिए सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन पी के लिए अच्छे से लगो और अच्छे से फोड़ो जो जैड के लिए अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनका कैट में रिजल्ट अच्छे भी आ गए हैं स्टिल आई विल सजेस्ट भैया जैड अच्छे से दो एक्सएल आर आई का कुछ भरोसा नहीं भैया आपके हाथ में एक्सलर आई आ रहा हो अभी आप न्यू एम्स को लेकर खुश हो और बाद में आपको एक्सएल आर अंदर एडमिशन का चांस मिल रहा हो सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड मैं लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सो so दैट अगर आप डायरेक्टली ये एडमिशन प्रोसेस देखना चाहो यू विल बी एबल टू सी दैट थैंक यू बाय बाय